1923 में आज के दिन भारत के मशहूर तबला वादक पंडित किशन महाराज का जन्म हुआ था। किशन महाराज तबला उस्ताद होने के साथ साथ मूर्तिकार, चित्रकार, वीररस के कवि और ज्योतिष के जानकार भी थे। 1965 में ब्रिटेन में कॉमनवेल्थ कला समारोह के साथ ही कई अवसरों पर अपने कार्यक्रम प्रस्तुत कर किशन महाराज ने प्रतिष्ठा अर्जित की थी। किशन महाराज को पद्मश्री, पद्म विभूषण और संगीत नाटक अकादमी सम्मान से नवाजा गया। 1926 में आज के दिन मशहूर अभिनेता उत्तम कुमार का जन्म हुआ था। मुख्य रूप से बंगाली सिनेमा में काम करने वाले उत्तम कुमार एक अभिनेता होने के साथ साथ फिल्म निर्देशक, निर्माता, गायक और संगीतकार भी थे। जिस तरह हिंदी सिनेमा में राज कपूर और नरगिस की जोड़ी को याद किया जाता है, वैसे ही बंगाली सिनेमा में उत्तम कुमार और सुचित्रा सेन का कोई मुकाबला नहीं था। बतौर अभिनेता उत्तम कुमार की पहली फिल्म दृष्टिदान थी, जिसे मशहूर निर्देशक नितिन बोस ने निर्देशित किया था। कोलकाता में इनके नाम पर उत्तम थिएटर भी खोला गया है। छोटी सी मुलाकात, अमानुष, आनंद आश्रम, किताब, दूरियां आदि इनकी नायाब फिल्में हैं। बंगाली सिनेमा में उत्तम कुमार को महानायक की पदवी दी गई है। 1984 में आज एक दिन फिलीपींस में चक्रवात की वजह से जान माल की भारी तबाही हुई थी। हवाओं की रफ्तार 185 किलोमीटर प्रति घंटे थी। इस तूफान ने 4500 लोगों की जानें ली और करीब 20 लाख लोगों को बेघर कर दिया। देश के राष्ट्रपति फर्डिनांड मार्कोस ने 40 लाख डॉलर तत्काल राहत राशि की घोषणा की थी। फर्डिनांड ने बाहरी मदद के तमाम प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उनके इस कदम की उनके विरोधियों ने काफी निंदा की। 1992 में आज के दिन भारतीय महिला पहलवान साक्षी मलिक का जन्म हुआ था। साक्षी ने 12 वर्ष की उम्र से ही कुश्ती की शुरुआत कर दी थी। 2014 में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए साक्षी ने देश को रजत पदक दिलाया था। 2014 में ही इन्होंने विश्व कुश्ती प्रतियोगिता में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया था। 2016 के रियो ओलंपिक में 58 किलोग्राम भार वर्ग में साक्षी मलिक ने कांस्य पदक जीता है। इसी के साथ ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली महिला पहलवान बनने का गौरव साक्षी को हासिल है। और 1998 में स्विस एयर का न्यूयॉर्क से जिनेवा जा रहा हवाई जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस हादसे में विमान में सवार सभी यात्री मारे गए थे। जांच के बाद पता चला कि जहाज के कॉकपिट की वायरिंग में खराबी थी, जिसकी वजह से जहाज में आग लग गई। कनाडाई अधिकारियों ने तत्काल ही बचाव अभियान शुरू किया, लेकिन इस हादसे में किसी को भी नहीं बचाया जा सका। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना था कि जहाज में पहले कुछ आवाजें सुनाई दी और फिर धमाके के साथ उसमें आग लग गई। 2004 में आज एक दिन रूसी सैनिकों ने एक स्कूल को अपहरणकर्ताओं के कब्जे से मुक्त करवाया था। इस कार्रवाई में कम से कम 200 लोग मारे गए थे, जिनमें ज्यादातर स्कूली बच्चे थे। अपहरणकर्ताओं ने भागते हुए बच्चों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई। ज्यादातर लोग तब मारे गए जब अपहरणकर्ताओं में से एक औरत ने खुद को बारूद की जैकेट से उड़ा लिया। जिस जगह पर महिला ने खुद को उड़ाया, उस जगह पर करीब 1000 लोग मौजूद थे। जो बच्चे इस हादसे में बच गए, उन्होंने अपहरणकर्ताओं की दरिंदगी पर बयान दिया।